नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आराध्य किचन में। आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फी, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, उसमें एक कप बेसन डालेंगे। अब इसको हम पाँच मिनट रोस्ट करेंगे। धीमी धीमी आँचों पे इसे 5 मिनट हम चलाएंगे अच्छे से। हमारा बेसन अच्छा रोस्ट हो गया है, इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। इसे भी 5 मिनट फिर से वापस चलाएंगे। बेसन हमारा ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारा बेसन अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब इसको जो उसमें लम्स हैं, थोड़े थोड़े गुठलियाँ हैं, इसको हम फोड़ लेंगे इसी स्पैचुला से, चला चला के, जिसे दबा दबा के, जिससे इसमें लम्स ना रहें। सारी गुठलियाँ हम तोड़ ली है, थोड़ा थोड़ा है, ये ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे चलाते चलाते। अब हमारा बेसन अच्छा दिख रहा है, गोल्डन ब्राउन कलर का। अब हम इसमें 1 कप चीनी मिलाएंगे। इसे भी 5 से 6 मिनट रोस्ट करेंगे। इसे भी चलाएंगे अच्छे से। अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से चलाएंगे मिक्स होने तक। खूब बढ़िया से इसको धीमी धीमी आंच पर पका लेंगे, अच्छे से इसे पकाएंगे। इसकी सारी गुठलियाँ तोड़ देंगे चला चला के, स्पैचुला से दबा दबा के चलाएंगे। बेसन की बर्फी खाने में बहुत टेस्टी होती है और बनती भी बड़ी जल्दी है। अब इसमें हम 1 कप बादाम पीस कर डालेंगे। बादाम का पाउडर, अब अगर आपके पास और भी ड्राई फ्रूट है, आप पसंद करते हैं, तो आप उसको भी मिक्स करके पीस लीजिए। काजू, बादाम, किशमिश, मखाना, जो है आपके पास, सब मिक्सी में पीस लेंगे अच्छे से। फाइन पाउडर बना के उसको ऐड करेंगे। तो हमारा अब ये अच्छे से हो चुका है, बढ़िया से। तो इसको थोड़ी देर चलाएंगे। कढ़ाई से छूट रहा है, इसका मतलब हो गया है हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे 1 प्लेट में घी लगा के। तो हमने ट्रांसफ़र कर लिया है प्लेट में और अच्छे से काट लिया है। तो देखिए, हमारी दानेदार बर्फी बनकर तैयार है बेसन की। आप भी ट्राई कर सकते हैं, कितना अच्छा टेक्सचर आया है, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है बर्फी। बेसन की बर्फी आप भी बनाइए, कमेंट करके बताइए हमारा रेसिपी कैसे लगा आपको। बाय बाय दोस्तों।